बालाघाट जिले के लामता तहसील के अंतर्गत सकरी निवासी रेखचंद्र पटेल आज सुबह 8:30 बजे अपने पालतू गाय को ढूंढने पादरीगंज के जंगलों में अपने 3 से 4 साथियों के साथ गए थे। जहां वहां अपने मवेशी को ढूंढ रहे थे, तभी वहां पर जंगली जानवर संभवतः तेंदुए ने रेखचंद्र पटेल के ऊपर अपने पंजा से हमला कर दिया, जिससे रेखचंद्र के पीठ में जानवर के पंजे के नाखून गड़ने से जख्म के निशान बन गया। जिसके बाद रेखचंद्र ने अपने साथियों को आवाज देकर बुलाया, जिसके बाद जंगली जानवर छोड़कर भाग गया। उसी समय उसके साथियों ने तुरंत रेखचंद्र को उपचार के लिए लामता के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी कृष्णा नामदेव द्वारा परिजन को 2000 रुपए की तत्कालिक राशि सहायता दी गई है। क्या नाम है आपका? रेखचंद पटले। कहाँ के निवासी? ग्राम सकरी के। अच्छा, कैसी क्या घटना हुई आपके साथ? घटना सर ये हुई, मैं सुबह गया था 8:30 बजे करीब। कहाँ गए थे? गाय को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ। अच्छा, तो गाय ढूंढ रहा था मैं, तो ये पादरीगंज के आगे गया, तो मैं से थोड़ा झाड़ी यानी कि छोटे छोटे पेड़ थे उसके साइड में ढूंढ रहा था। अब उधर से मैं देखा नहीं बरोबर, इधर से जानवर आया और एकदम मेरे पर हमला कर दिया। अच्छा, तेंदुआ था कि और कोई जानवर था? सर तो इतना बड़ा मुंह था, मैं तो उसको जानता नहीं, शेरी होना चाहिए। अच्छा, आप कितने लोग थे साथ में? सर साथ में तीन चार लोग थे। हम लोग ऐसे दूर दूर से ऐसे ढूंढ रहे थे गाय को। अच्छा, और फिर बाकी मैंने जो चिल्लाया तो फिर सब आजू बाजू वाले फिर सब दौड़ते भी आए, क्या हो गया करके। अच्छा, फिर आपको उस जगह से किसने लाया? ये साथ में साथी लोग थे। अच्छा, राजेश पटले, शंकरलाल बघेल, दिनेश सोनी, लोकेश पटले। अच्छा, जितने जगह अभी चोटें हैं इसके सिवा और दूसरी चोटें हैं आपको? नहीं, बस इतनी है और ये दर्द हो रहा है पैर में। क्या नाम है आपका? मनोरमा पटेल। अच्छा, कहाँ के निवासी? ग्राम सफरी। अच्छा, क्या ये जो रेंजर साहब ने आपको वैकल्पिक सहायता के लिए जो राशि दी है, कितनी राशि है? 2000 सर। आपका परिचय? डॉक्टर थलेश गोपाले, लामता खान चिकित्सा। अच्छा, आज ये जो प्रकरण वन्य प्राणी से आए संबंधित आया, तो इसमें कैसा क्या घाव कितने कह सके हैं? घाव जो थोड़े 3 है जो डीप है, बाकी ऐसे कोई खतरे से बाहर है अभी पेशेंट, तो क्या कोई घबराने वाली बात नहीं है। कृष्ण कुमार नामदेव, रेंज ऑफिसर उत्तर लामता सामान। अच्छा, आज पादरीगंज में वन्य प्राणी द्वारा किसी व्यक्ति को हमला किया गया, संबंधित है जानते? आज सुबह सूचना मिली कि ग्राम सकरी निवासी रेखचंद पटले, उम्र 37 वर्ष, को एक जंगली जानवर द्वारा घायल कर दिया गया है, जिसको उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता लाया गया है। उससे बात करने पे उसने बताया कि कोई चित्तीदार जानवर था, संभवतः तेंदुए हो सकता है, उसके पीठ में तेंदुए ने पंजा मारा, क्योंकि और भी साथ में उसके साथ लोग गए थे जंगल, तो लोगों ने हल्ला मचाया तो शोरगुल सुन के वो भाग गया। घायल अवस्था में तत्काल उसको वाहन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता लाया गया, यहाँ पर BMO महोदय द्वारा उसका उपचार किया गया। और जानकारी लेने पर डॉक्टर साहब ने बताया कि स्थिति स्टेबल है और यहीं पर उपचार हो जाएगा। मेरे द्वारा कहा गया अगर बालाघाट की ज़रूरत है तो विभाग व्यवस्था कराएगा। और इस आपके विभाग द्वारा कुछ उनको सहायता राशि ऐसी कुछ ऐसी? मामला चूँकि वन विकास निगम लामता परिचित संबंधित है, वहाँ के परिचित अधिकारी द्वारा भी को भी मेरे द्वारा सूचना दी गई है, तो तत्काल में उनके द्वारा बताया कि 1000 रुपये की नगद सहायता राशि देंगे और उपचार में जो भी खर्च होगा उसका भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जितने दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे उसका भी अलग से भुगतान किया जाएगा।